एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ शाम को बैठा हुआ था तो कहने लगे, राकेश टिक्के विक्के तो हमने बहुत खाए हैं, कुछ चिकन में ही बनाओ लेकिन डिफरेंट होना चाहिए। अब मैं सोच में पड़ गया कि डिफरेंट क्या बनाऊं, तो झटपट से मुझे याद आया कि चीज़ ऐसी बनाओ कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएं। तो मैंने उस शाम के लिए उनके लिए बनाए मुर्ग के पर्चे। तो आइए आज हम भी बनाते हैं ताकतवर देगी मिर्च के पर्चे। हम सबसे पहले इनको मैरिनेट कर लेते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट और देगी मिर्च में। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे देगी मिर्च। अब इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन की पेस्ट और इसको हम मैरिनेट कर लेते हैं। इस तरह से मैरिनेट करके इसको हम कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ दें तो जो अदरक लहसुन की पेस्ट है उसका असर इसके टेस्ट पर आना शुरू हो जाता है। तो इसको अब एक बारी फिर से हम मैरिनेट करते हैं। उसके लिए हम एक बड़ा बोल लेते हैं और उसमें डाल लेते हैं अदरक लहसुन की पेस्ट एक बार फिर से। अदरक लहसुन की पेस्ट के बाद इसमें हम डालेंगे कश्मीरी मिर्च की पेस्ट। ये भी रंग अच्छा देती है पर इतनी तीखी नहीं होती है, इसलिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे हम। अब देखिए इसमें हम हंकड़ या दही किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम इसमें खट्टापन लाएंगे नींबू से। आप चाहें तो इसमें सिरका भी डाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इसमें मैं नींबू का रस डालता हूँ और नींबू के रस के बाद इसमें मैं डालूंगा घर में बना हुआ ये ताज़ा गरम मसाला, एक चौथाई छोटा चम्मच ताजी कुटी काली मिर्च। अब इसमें हम डालेंगे नमक। नमक के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, ये मैं ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इन सबको मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे जो हमने चिकन विंग्स पहले मैरिनेट किए थे उनको, और एक बार फिर से इनको हम टॉस कर लेते हैं। और अब इसको हम रख लेंगे आधे घंटे के लिए और आधे घंटे के बाद इसको हम निकाल कर ओवन में बेक करेंगे। नहीं नहीं, पैन में फ्राई करेंगे। नहीं, ऐसा करते हैं कि तंदूर जला लेते हैं और उसमें बनाते हैं। चलिए ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। इसको आप चाहें तो पैन में फ्राई करें, इसको आप चाहें तो ओवन में बेक करें, या फिर इसको तंदूर में अच्छे से पकाएं। तो चॉइस आपकी है, हम इसको ओवन में बेक कर लेते हैं। और इसको ओवन में डालने से पहले एक बारी डस्ट कर लेंगे हम थोड़े से मैदे में। आधा मैदा और आधा कॉर्नफ्लोर हम लेंगे और इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा नमक। अब हम इसके अंदर एक एक करके चिकन विंग को डालेंगे और डस्ट करके बेकिंग ट्रे में लगाते रहेंगे। तो इस तरह से हम चिकन विंग को इसमें डस्ट करेंगे और इसको बेकिंग ट्रे में सेट कर लेंगे। और इसी तरह से मैंने सभी चिकन विंग्स को मैदे और कॉर्नफ्लोर में डस्ट कर लिया है और इसको मैंने अरेंज कर लिया है ओवन की ट्रे के ऊपर। और ओवन को मैंने पहले ही 180 डिग्रीज के ऊपर प्रीहीट करके यानी कि गर्म करके रख लिया है। इसको हम एक ऑयल के साथ स्प्रे कर लेते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर हल्के हाथों से तेल लगा लें थोड़ा सा, या फिर अगर आपके पास ऑयल का स्प्रे है तो ऑयल स्प्रे करके इसके ऊपर इसको हम बेक करेंगे ओवन के अंदर। आइए इसको हम ओवन में अब बेक करते हैं। तो लीजिए देगी मिर्च के पर्चे तो तैयार हो गए हैं। अब बारी आती है इनको एक प्लेट में लगा के सर्व करने की। तो आइए इन्हें हम अरेंज कर लें। तो लीजिए तैयार हो गए देगी मिर्च के पर्चे। अगर आपने अपने आज के चाय के समय को और भी डिवाइन बनाना है तो इस रेसिपी को आज जरूर बनाइएगा।